Hello everyone, I am Sital Sunwani, student of Siddhivinayak Institute. Today my topic is human eye. So I am starting with location of eyes. So location of eyes. So eyes are present in socket of skull, which is called orbit. So socket of skull called ऑर्बिट. देन स्ट्रक्चर की बात आती है, तो स्ट्रक्चर होता है नियरली अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर. सो इन अडल्ट ह्यूमन आइज आर नियरली स्फेरिकल स्ट्रक्चर. फिर आती है आइज की लेयर्स की. तो आइज होती है, आइस की लेयर होती है तीन टाइप की, स्क्लेरा, कॉर्निया, क्लोराइट्स. आइस थ्री लेयर्स, स्क्लेरा होती है एक्सटर्नल लेयर, कॉर्निया मिडिल लेयर, और फिर आती है क्लोराइट्स. वो होती है इंटीरियर लेयर. सो स्क्लेरा एक्सटर्नल लेयर होती है जो कंटेन डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और क्लोराइट्स होते हैं वो इंटरनल लेयर होते हैं जिसमें मैनी ब्लड वेसल्स होती है. वेसल्स होती है जो ब्लूइश कलर की दिखती है, विच लुक ब्लूइश. सो क्लोराइट्स की बात आते हैं, क्लोराइट्स जब थिक होती है एट द एंटीरियर पोर्शन ऑफ क्लोराइट, इट्स बिकम थिक एंड फॉर्म सिलियरी बॉडी. एंड जब ये थिन होती है तब ये होती है पोस्टीरियर पोर्शन में आइस के. सो इन फ्रंट ऑफ द लेंस एंड अपरेचर सराउंडेड बाय आयरिस इज कॉल्ड प्यूपिल. सो डायमीटर ऑफ प्यूपिल इज diameter of pupil regulated by iris. So यहाँ तक हमारी बात हुई iris की. Then in interior part of eyes retina is present. सो रेटिना तीन टाइप की होती है, थ्री टाइप्स ऑफ रेटिना. सो फर्स्ट होती है गैंग्लियन सेल, सेकंड है बाइपोलर सेल, और थर्ड है फोटोरिसेप्टर सेल. सो गैंग्लियन होती इनर में, बाइपोलर होती है मिडिल में, और फोटोरिसेप्टर होती है आउटर साइड में. तो फोटोरिसेप्टर सेल दो टाइप के होते हैं. सो ये कितने दो टाइप के होते हैं, तो दो टाइप में क्या क्या आएंगे, कोन एंड रॉड. सो कोन को हम बोलते हैं डेलाइट, और रॉड को बोलते हैं ट्विलाइट. इसको फोटोपिक भी बोलते हैं और
इसको टॉपिक बोलते हैं। सो जो कोन है वो हमको हेल्प करता है हमारी विज़न में, और मोस्टली ये कलर विज़न में हेल्प करता है मोस्टली डे टाइम पे। तो इसका फंक्शन हो जाएगा विजन एंड कलर विजन। और जो रॉड आती है ट्विलाइट, मोस्टली डार्क चीज़ों को मतलब रात में देखने में काम आती है, तो इसका फंक्शन होगा सिर्फ विजन इन डार्क थिंग्स और डार्क प्लेस। नॉर्मली अगर बोला जाए तो रॉड कंटेन करती है स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन जिसको हम यहाँ लिख देते हैं। सो रॉड कंटेन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड रोडोफिन और विजुअल पर्पल। सो रोडोफिन कंसिस्ट करता है विटामिन ए, और नहीं कंसिस्ट नहीं, डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए कंटेन करता है। तो कंटेन डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। सो इसके बाद हम देखेंगे एक्वस चैम्बर और विट्रस चैम्बर। तो एक्वस चैम्बर क्या होते हैं? सो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो एक्वस चैम्बर ये रहा, तो एक्वस चैम्बर होगा स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। सो हम यहाँ लिखेंगे स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। सो स्पेस बिटवीन कॉर्निया और लेंस को हम बोलेंगे एक्वस चैम्बर, और एक्वस चैम्बर में जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे एक्वस ह्यूमर। और ह्यूमर मीन्स फ्लूइड और अ सेमी फ्लूइड, तो ये कंटेन करता है एक्वस ह्यूमर। सेकेंड आता है विट्रस चैम्बर। तो डायग्राम में देखेंगे विट्रस चैम्बर ये रहा। सो विट्रस चैम्बर किन दोनों के बीच में होता है? लेंस और रेटिना के बीच में। तो हम लिखेंगे स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना को क्या बोलेंगे? विट्रस चैम्बर। तो ये कंटेन करता है विट्रस ह्यूमर। ओके, देन हम आ जाएंगे थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म में, पूरा मैकेनिज्म नहीं आया अभी, थोड़ा। तो जैसे कि देखेंगे तो ये हमारा ब्लाइंड स्पॉट ही है। ब्लाइंड स्पॉट कैसे होता है? तो इस यहाँ पे यहाँ से ऑप्टिक नर्व निकलती है और ब्लड वेसल इंटर करती है, और इसको बोला जाता है पॉइंट मीडिया। पॉइंट मीडिया के पोस्टीरियर लेटरल पोस्टीरियर रीजन में होता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें फोटोरिसेप्टर सेल अब्सेंट होती है। फोटोरिसेप्टर सेल अब्सेंट होने का कारण इसमें हम इस यहाँ पे हमको यहाँ से हमको कोई हेल्प नहीं मिलती विजन में। सो जो फोटोरिसेप्टर सेल है वो स्पेशली कंटेन करते हैं लाइट सेंसिटिव फोटोपिगमेंट्स। और फिर हम आ जाते हैं प्रॉपर मैकेनिज्म में कि हमको कैसे दिखता है। सो हम मैकेनिज्म की बात करेंगे इसमें। तो जब लाइट वेव्स आएगी तो वो पहले कॉर्निया में जाएगी, वो इंटर करेगी लेंस में, फिर लेंस से जाएगी वो रेटिना में। तो जब वो रेटिना में जाएगी तो रेटिना में क्या होगी? फोटोरिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, जो होंगे रॉड और कोन सेल। यहाँ पर रॉड और सेल प्रेजेंट, कोन सेल प्रेजेंट होंगे। तो जब ये लाइट रेस आएगी तो यहाँ पे वो रेटिना पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तो नर्व्स के थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में ये इन्फॉर्मेशन जाएगी कि हमें कुछ देख रहा, हम फिर
फिर हमारा ब्रेन एनालाइज करता है कि वो किस चीज़ की इमेज है। तो इस दिस इज़ द प्रोसेस कि हमको कैसे दिखता है, हम कैसे एनालाइज कर पाते हैं। फिर आते हैं रोडोप्सिन की दोबारा से बात, क्योंकि रोडोप्सिन और ब्रेक डाउन होता है दो चीज़ों में। सो हम यहाँ देखेंगे रोडोप्सिन को और रोडोप्सिन ये ब्रेक होता है दो चीज़ों में। ब्रेक क्या बोलेंगे इनको, ऑप्सिन और रेटिनल। ऑप्सिन क्या है, इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटीन। और रेटिनल क्या है, रेटिनल इज एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए, एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। ठीक है, तो रोडोप्सिन दो में ब्रेक होगा, ऑप्सिन और रेटिना। तो ये ऑप्सिन क्या काम आता है, तो ऑप्सिन देखा जाए तो यहीं प्रेजेंट होता है और इसके स्ट्रक्चर में चेंज आता है जब इस पर लाइट पड़ती है। तो जब लाइट पड़ेगी इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा, तो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी भी चेंज होगी। सो फिर यहाँ से नर्व्स के थ्रू हमारे सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुँचेंगे। पर मेन चीज़ क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्सिन चेंज एंड सेकेंड है परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन चेंजेस। सो दिस इज द काइंड ऑफ विजन इन अवर ह्यूमन आइज। सो हम ऐसे अपनी विजन को देख सकते हैं। और है एक टाइप की कोन जो है, कोन ये तीन टाइप के होते हैं जिनका खुद का ओन कैरेक्टरिस्टिक होता है। इट हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक। सो इनका ओन कैरेक्टर क्या है कि ये मेन थ्री कलर्स को रिस्पॉन्ड कर पाते, वो है ग्रीन, रेड एंड ब्लू। सो ये इसका मेन कलर को ही रिस्पॉन्ड कर पाते। फिर आप सोच रहे हो अगर ये सिर्फ तीन मेन कलर को रिस्पॉन्ड कर पाते तो हमको बाकी कलर कैसे दिखते हैं। तो इसका मेन रीज़न है कि जब अलग अलग कोन्स अलग अलग इससे स्टिमुलेट हो गए तब हमें अलग अलग कलर्स दिखेंगे। तो फिर वाइट लाइट कैसे दिखती है, वो मेन रीज़न है। फिर वाइट लाइट हमको कैसे दिखी है कि जब सारे कोन्स एक जगह इक्वली स्टिमुलेट हो गए तब हमको वाइट लाइट दिखती है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ कोन प्रॉपरली। एंड थोड़ा सा एनालाइज करते हैं अपना डायग्राम को। सो दिस इज़ द लेंस, दिस इज़ द प्यूपिल। एंड प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल हमें देखने में हेल्प करता है। और ये है आयरिस, आयरिस हमारे प्यूपिल के डायमीटर को, जो इसका प्यूपिल के डायमीटर है उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं। फिर ये हमारा कॉर्निया, एक्विस चैम्बर, सिलियरी बॉडी, जो किससे बनती है, हमारे कोराइड्स से। जब ये थिक हो जाती है तब हमारा सिलियरी बॉडी बनता है, और जब ये थिन होता है तो यहाँ ब्लाइंड स्पॉट कंटेन होता है। इस साइड पे वो थिक होगा और यहाँ पे वो थिक होता है। ये फीबिया है, ये एक बैंड स्ट्रक्चर है जो येलो इश पिगमेंट कंटेन करता है जो कॉर्निया में प्रेजेंट होता है, येलोविश पिगमेंट। सो थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम सिद्धिविनायक। एंड आई एम वेरी लक्की दिस बिकॉज आई एम हियर टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक। थैंक यू, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।